ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो त्रिपुरा का ट्रेलर और पिक्चर तो आप देखते रहे, आई मीन जैसे कि आप देखेंगे कि धारावाहिक के रूप में हम हर दो हफ्ते में नए नए चीज आपको दिखाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, सुदीप बर्मन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे सीएम भी रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं, इनके पिताजी बहुत ही सम्मानित कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है। उनके साथ श्री आशीष शाह जी हमारे परम मित्र हैं, 3 टर्म के विधायक, कांग्रेस के एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट और बहुत ही बड़े लीडर, और इनके आने से त्रिपुरा में सिर्फ नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भूकंप शुरू हो चुकी है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में। मैं पर्सनली 2-3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, एक तो खास तौर से राहुल जी और प्रियंका जी तो है, उसके अलावा हमारे असम के राजेश जोशी जी हैं, हमारे सेक्रेटरी जरिता जी हैं, और सबसे बड़े योगदान हमारे बगल में बैठे हुए श्री विरजीत सिन्हा जी, हमारे पीसीसी, इनके सबके योगदान के बिना। और एक व्यक्ति का नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने मना किया था, लेकिन वो असम से संबंधित रखते हैं, असम के बड़े नेता कांग्रेस के हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आप मैं दे दूंगा क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे क्या पता, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं फिर से जो है औपचारिक तरीके से सुदीप जी और आशीष जी का जो जॉइनिंग आज सुबह 9:30 राहुल जी और प्रियंका जी के सामने हुआ था, उस वक्त विरजीत सिन्हा साहब थे हमारे साथ, जगिता जी थी, राजेश जोशी साहब थे, उसके अलावा 2 और विधायक जिनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनकी इस्तीफा देने में कुछ कानूनी अड़चन थे, उनकी भी मुलाकात अनौपचारिक तरीके से श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ हुई, उनकी ज्वाइनिंग जो है कुछ दिन बाद हुई। और मैं अब जो है अनुरोध करूंगा पहले सनी जी हमारे साथी हैं यूथ कांग्रेस के, उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है इस पूरे कार्य प्रक्रिया में। थैंक यू सनी, थैंक यू वेरी मच। और स्वागत करेंगे आशीष सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो गो बस सॉरी माय एंड वन सेकंड, आज मुझे हमसे एक छोटी सी गलती हुई, माफी मांगना चाहूंगा कि गोपाल रॉय साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर थे, उनका नाम मैंने लेना भूल गया था, सीएलपी रह चुके हैं, वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक, नो एंड प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा कांग्रेस, सॉरी गोपाल सर, माय मिस्टेक, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, सॉरी गोपाल, एंड आई विल हैंड ओवर द माइक नाउ टू श्री सुदीप बर्मन। Namaskar. I take this opportunity to seek apology from the Congress family across the country that I was carried away by emotion and left the Congress, which is in my DNA, right from my student life. I was very much connected with this family. It's a great feeling that after a span of 4.5 years, I have finally reached the place where when I started my political journey. It's a great feeling that I cannot describe in words. Obviously, now the question is, why did I think
लीव भारतीय जनता पार्टी वेरी वेरी ब्रीफली आई शुड से जो सपना मेरे साथ लाखों त्रिपुरावासी ने देखा था 25 साल का एक सरकार को राज को खत्म करके एक नया सूर्योदय होगा त्रिपुरा वासियों के लिए अच्छा कुछ कार्य होगा जनता के लिए ये सरकार इन सभी से दूर चल रहे हैं नोवेयर नियर आर वी टू फुलफिल द प्रॉमिसेस दैट वाज बीइंग मेड प्राइड टू लॉ एलिमिनेशन A reign of terror has been let loose in our state. Jitna bhi chunav local body se hua hai, including the last parliamentary elections, were all rigged by the hooligans and muscle men, thereby completely making the election process a farce. All democratic institutions have come to a standstill. Democracy is being throttled. No one can also get a spade in our state. Given the scenario, now the people, because Congress is in our DNA, BJP ke paas 1.57% vote tha 2018 chunav se pehle. Hame log jaane se, Congress ka jo pura vote share, wo shift hua BJP ke paas. और आज मैंने राहुल गांधी से वादा किया कि मैंने एक पाप की और प्रायश्चित हम लोग करेंगे जरूर 2023 में कांग्रेस सरकार को वहां के स्थापित करके ही हमारा प्रायश्चित खत्म होगा तो दिस इज द सिनेरियो दैट एग्जिस्ट इन आवर स्टेट एंड वी हैव बीन वी आर इन पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल एंड व्हाट एवर द पीपल डिजायर वील अकॉम्प्लिश दैट Whatever they dream of, will accomplish that. And I believe I have chosen the right path. The gentleman, the leader of our party, I've been watching him. He speaks the truth. He is very innocent. He is concerned regarding the country. He doesn't know gimmick. But we Indians will get carried away by emotions and gimmick. He is the right man who speaks from his heart, who speaks for his countrymen, Mr. Rahul Gandhi I'm talking of. So I have chosen the right path. I have chosen the right person under whom the country and the countrymen will survive, will prosper in the coming days. That's it I have to say and I urge upon all my countrymen to this press conference. Please stand beside the Congress, our Rahul Gandhiji and Priyanka Gandhiji. They are the two assets of the country and in the coming days I have no iota of doubt in our mind, in my mind that Congress is going to make a huge comeback because it speaks the truth. It is on the right path. With these few words, I thank you once again for honoring me in such a good atmosphere. Thank you, ladies and gentlemen. Hindi mein bhi bolo. Hindi mein to bola hi. Hindi mein bol raha hai Hindi mein. Baki jo tik tak pe kar raha So, both, we can take questions if you want, otherwise we can explain a long time. Photograph lena hai to bata. Boliye sir. Ashish Kumar sir ji kuch nahi bolenge. Ashish sir, to main to tab se bol raha hu bolne ke liye, wo jo kaam mein vishwas karte hain. Bolenge. Sir, ek baar to bol dijiye. Hindi mein baat. Hindi mein bol, just jo bhi hai. Bangla mein bhi bol rahe hain, kuch bhi bhasha, jo comfortable. Sabko swagat hai. साढ़े चार साल पहले सोच को लेके हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया था क्योंकि 25 साल हमारी
जो सरकार चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए उसका जो अंदरूनी एटमॉस्फेयर तब था उसको बंद कराने के लिए और आगे लोगों का जो उम्मीद ही है ये सारे प्रत्याशा सब पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने ज्वाइन किया था। कई सारे चार साल में हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया है जो लोगों के बारे में त्रिपुरा के बारे में त्रिपुरा की डेवलपमेंट के बारे में सोच है। अंदरूनी पार्टी अंदरूनी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये आम जनता के खिलाफ चला गया। जनता की रोक अभी इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। जितने दिन हम लोग बीजेपी में थे हम लोगों का कोशिश जारी था। कई दफे हम दिल्ली भी आया बीजेपी सेंट्रल लीडर के साथ मिलके जो स्टेट का हल है उसका थोड़ा सुधारने के लिए इन लोगों को समझाया लेकिन सारे ये जो हमारा कदम हमने उठाया था वो विफल गया। आम आदमी की जो पुकार है अभी ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं। इसका गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है इसके खिलाफ है। आम जनता की सोच अभी राहुल जी के नेतृत्व में सारे देश में जो जागरण हो रहा है उसी के साथ त्रिपुरा वासी भी चलने के लिए तैयार हो गया। हम सबके मिलके राहुल जी जो इनका जो सोच है सारे देश की भलाई के लिए सारे देश की आम आदमी जो इनके सोच को लेके अभी दोबारा कांग्रेस को सरकार में बिठाने के लिए तैयारी हो रहा है। हम इसी की साथ पे लेके चलने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अभी से हम राहुल जी प्रियंका जी और हमारी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में 2023 को सरकार बनाने के लिए जितना हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए जितना कठोर परिश्रम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। एक मिनट के लिए बोल देंगे हमारे पीसी सिंह और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि बिना सेक्रेटरी राजेश जोशी और सनी जैसे लोग के समर्थन के बिना ये एक अच्छा काम जो है नहीं होगा। चौकर नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ पुराना साथी जो कांग्रेस में वापस आया है मैं बोलूँगा ये घर लूट प्रोग्राम है। तो अभी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो धर्मांतर सरकार है उसको खिलाफ में सोनिया जी राहुल जी प्रियंका जी नेतृत्व में जो संघर्ष जारी रहा है उनका योगदान में वो तेजी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत होगा। त्रिपुरा में हम लोग जो अल्टरनेटिव त्रिपुरा में ओनली अल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत कर सकेगा। धन्यवाद। नमस्कार। ओके थैंक यू वेरी मच। एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन के टाइम क्या उसके बाद भी थोड़ा लग रहा था कि सुदीप जॉय पर हम सर तृणमूल ज्वाइन करेंगे और फिर आपका निर्णय हुआ कि आप कांग्रेस में वापस आपको कैसा लगा? मतलब आपको ये फीलिंग आया कि नहीं? वहां से जो अफवाह चल रहा था नहीं क्योंकि
जब वोटों का लूट हो रहा था, मैं भाजपा में रह के भी आवाज उठाई इसके खिलाफ, आम जनता को वोट देने का हक है, बाधा प्राप्त मत करवाए, उनको बाधा देना पाप है, ये डेमोक्रेसी में खतरनाक। इसी से अगर किसी को अंदाजा चल जाता है कि मैं तृणमूल में ज्वाइन करूँ तो वो आपका सोच बढ़ाए भी सहले, इज द राइट पार्टी। मैं वेस्ट बंगाल में तृणमूल लड़ रही है वहां पे भाजपा के खिलाफ, ठीक है, लेकिन देश में भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है जी जो जान वो है भारतीय जातीय कांग्रेस इंडिया नेशनल। थैंक यू। फोटो ले लीजिए, हाथ उठाते हुए बढ़िया से चार बजे। यस आ गया। थैंक यू। सुधीर नागार्जुन रोज है।